गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं सरेकर से आगे जो होल्ड हैं चांद पीपर होल्ड, वहां से आगे दिखाएंगे जो थरबिट्टा रेलवे स्टेशन तक दिखाएंगे। तो वहां पे क्या काम हो गई है, क्या काम बाकी है, सर्चिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे दूसरे चैनल देसी फिटनेस मनोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हम फिटनेस से रिलेटेड हर वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। जो अभी ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं यही है निर्मली जाने वाली जो रेल लाइन रूट, और अभी हम जा रहे हैं जो सरेगर से ट्रेन खुल चुकी हैं और यहाँ पे आ चुके हैं जो चांद पीपर हिंडोली, और ये होल्ड है। और चांद पीपर होल्ड से अभी ट्रेन खुल चुकी है, जो दिख सकते हैं यही है चांद पीपर होल्ड का टिकट घर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो होल्ड कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो बिजली का खंभा जो है पिलर वो सब अभी यहाँ पे जो है काम इधर तक चल रहा है। ठीक है, इस होल्ड के बाद एक और होल्ड है जो ये होल्ड है बैजनाथपुर अंदौली, जो अब फाइनली इस होल्ड पे आ चुके हैं बैजनाथपुर अंदौली। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चेयर वगैरह से टूट चुकी है, जो कुछ इस तरह से इसका इस होल्ड का हाल है। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए ट्रेन रुकती है और ट्रेन अब खुल चुकी है, जो देख सकते हैं अभी ट्रेन आगे बढ़ रही है। और ये है बैजनाथपुर होल्ड, और बैजनाथपुर होल्ड पे देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे ये टिकट घर है, और यहाँ पे इसका व्यवस्था कुछ इस तरह से है। अभी यहाँ पे जो ये दो बाथरूम है, और देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ वगैरह से लगा हुआ बहुत मस्त। यहाँ पे जो चेयर है जो वहाँ पे बैठने वाला ये पूरा पूरी तरह जो टूट चुका है आधा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली आ चुके हैं थरबिट्टा रेलवे स्टेशन, जो देख सकते हैं हम आप पहुँच चुके हैं ट्रेन अभी थरबिट्टा रेलवे स्टेशन। और साइड पर देख सकते हैं स्टेशन में जो ये प्लेटफॉर्म है, जो साइड साइड में जो ये लोग जो ये सब क्या बोलते हैं पता नहीं, जो अभी झुग्गी बना लिए हैं और यहीं पर निवास करते हैं। तो चलिए देख, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्थित इस हाल में है, जो यहाँ पे ये स्टेशन है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और स्टेशन घर की बात करें तो स्टेशन घर यहाँ पे देख सकते हैं जो टेल्स वगैरह सा है ये टूट रही है, और ये होगी स्टेशन भवन, जो देख सकते हैं यही है थरबिट्टा रेलवे स्टेशन का स्टेशन भवन। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये है सेट बैठने के लिए यात्री वगैरह सा को। यहाँ पे फैन वगैरह सा भी नहीं लगाया गया है, जो देख सकते हैं अभी इसका हाल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पिलर का जो लाइन वाला खंभा है ये भी गाड़ दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, ठीक ठाक है। यहाँ से आप ट्रेन खोल चुके हैं, और इस साइड की बात करें तो इस साइड से भी दिखाते हैं, यहाँ पे एक माल ट्रेन भी लगी हुई है, जो अभी ये ट्रेन का समय था इसलिए यहाँ पे स्टॉप है। ये जो है ललित ग्राम वगैरह से अभी जाने वाली है ये सब ट्रेन, ये माल ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे अब सबसे ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह का काम चल रही है। और यहाँ तक देख सकते हैं पूरा फाइनल है, जो बिजली का काम यहाँ पे चल रहा है। और सुपौल रेलवे स्टेशन से बहुत ही जल्द स्लीपर ट्रेन भी चलने वाली है, जो बिजली वाला। तो अभी जो अभी एक्सप्रेस है वैशाली एक्सप्रेस आई हुई है जो सुपौल से खुलने वाली है, कब खुलेंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब जो है ये कदम पूरा पहुंच चुके हैं, ये है कदम पूरा होल्ड है जो थरबिट्टा रेलवे स्टेशन के बाद आती है। तो चलिए ये कदम पूरा पे अभी ट्रेन एक मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेन अभी खुल चुके हैं और यहाँ से अब जाएगी सुपौल रेलवे स्टेशन। तो सुपौल रेलवे स्टेशन का एक अलग से वीडियो आएगा क्योंकि ये ज़्यादा ये वीडियो से लॉन्ग हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उसका वीडियो एक अलग बनाएंगे सुपौल रेलवे स्टेशन का। और बहुत ही जल्द सुपौल रेलवे स्टेशन से वैशाली एक्सप्रेस डायरेक्ट दिल्ली तक के लिए रवाना होने वाली है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।